بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी जायका विद अरूज के चैनल पे आज हम आए हैं बाहर से। आज दिल कर रहा था बाहर खाना खाने को, तो हम आए हैं इस्लामाबाद G11 मरकज़ में। तो G11 मरकज़ में आज हम खा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। और ये किन का कढ़ाई गोश्त है? क्वेटा अरसलान स्टूडेंट कैफ़े। तो इनके रेस्टोरेंट से आज हम खाना खा रहे हैं। तो आज हमारी बन रही है तरोताज़ा मज़े की कढ़ाई गोश्त। तो चलिए हम इंशाल्लाह आपको सारा दिखाते हैं डिटेल के साथ। अभी इन्होंने आयल को गर्म किया है और आयल के साथ इन्होंने डाल दिया है चिकन, और चिकन को ये आयल में फ्राई कर रहे हैं। बड़े मज़े का व्यू आ रहा है। अब खाना भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़े का बनेगा, क्योंकि हम पहली दफ़ा आए हैं क्वेटा अरसलान स्टूडेंट कैफ़े पे। और इस रेस्टोरेंट पे तकरीबन 7 से 8 डिशेज़ हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं, जिसमें कीमा भी है, आलू गोश्त भी है, और इसमें रोश भी है, मटन रोश, चिकन नमकीन, चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा। और सुबह का नाश्ते में बड़ी चीज़ें हैं इसकी। इनका हम आपको मेन्यू भी दिखा देते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं लाइव चिकन कढ़ाई बनते हुए। अभी इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो काटी जा रही हैं, टमाटर हैं, मिर्चें हैं, हरी मिर्च, इस्लामाबाद G11 में बहुत सारे कैफेज़ हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ढाबा स्टाइल बने हुए हैं। अब ये तो ट्राई करके पता चलेगा कि यहाँ का खाना किस तरह का है। अंकल जी, आपको कितना अच्छा हो गया ये काम करते? आपने पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहीं पे लगा दी इसी काम पे? कहाँ से आए हुए हैं आप? कश्मीर से? माशाल्लाह। तो ये काफ़ी देर से बना हुआ है ये कैफ़े? 7 साल हो गए। अच्छा, इनके साथ 7 साल हो गए। इससे पहले कहीं और काम करते थे? अच्छा, सेवर, फूड सेवर। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ भी आप क्या बनाते थे? पुलाव। अच्छा, हाँ, उनका पुलाव ये। अच्छा अच्छा, मतलब आपका तो पुलाव भी बड़ा मशहूर होगा फिर तो। यहाँ पर इन्होंने पुलाव क्यों नहीं रखा? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा तो ये हैं अंकल जो सारी ज़िंदगी इन्होंने इसी तरह ही गुजार दी है, खाना पकाते हुए, फूड सेवर पे भी इन्होंने काम किया है, और अब ये 7 साल से यहाँ पे इस कैफ़े में काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से तो इनका तजर्बा बहुत ज़्यादा होगा और इनका खाना भी बहुत मज़े का होगा। इंशाल्लाह आज हम ट्राई करते हैं। तो इनका सीटिंग एरिया भी बना हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये इनका सीटिंग एरिया है, यहाँ पे ओपन ही है तकरीबन। ये आप
यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। यहाँ पे इनका नाश्ता भी है और इनकी बहुत सारी आइटम्स हैं जो ये नाश्ते में भी देते हैं। लस्सी भी है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है। और इसी तरह ये हमारा टेबल है जिस पे हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह। अभी आगे तक लीजिए। ये हमारा जो मेन्यू जो हमने बताया आपको कि आज हम खाना खाने आए हैं, दाल माश है, रोटी बनी है, तंदूर की रायता है, सलाद है, चिकन कढ़ाई जो हमारी लाइव हमने आपको दिखाई है वो तैयार है। और अब हम करेंगे स्टार्ट।